हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। और ये है मेरी सिस्टर जो और हम दोनों आ जाए हैं शॉपिंग करने के लिए गौर मॉल में, क्योंकि सेल लग चुकी है तो हमने सोचा चलो सेल का मजा लिया जाए। तो बताओ आज क्या लेने वाली हो? जो जितना कुछ जय दिला देंगे हम खरीद लेंगे। हाँ, तो आज हम लोग आए हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो शॉपिंग करनी है जो कि कराएंगे इसके जिया जी यानी कि मेरे हस्बैंड, और दूसरा हमें पार्टी देंगे इसके हस्बैंड। तो आज ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और चलिए एंजॉय करते बने रहिएगा मेरे संग इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम लोग लाइफस्टाइल में आ गए थे, और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हमारे साथ हमारे हस्बैंड से, तो उनकी शॉपिंग हमें करानी थी क्योंकि गर्ल्स तो अपनी शॉपिंग बहुत फटाफट से कर लेती हैं लेकिन हस्बैंड्स को बहुत टाइम लगता है और कुछ पसंद भी नहीं आता, और मोस्टली वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ लें या ना लें, ना ही लें तो अच्छा। तो फिर हमने सोचा सबसे पहले इन लोगों को चूज़ करा देते हैं। इनको उनको चूज़ कराने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे फ़ीमेल सेक्शन में, और फीमेल सेक्शन में हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया तो सब चीज़ें बहुत काफ़ी पसंद आ रही थी। तो उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आई वो थी ये ड्रेस। तो ये ड्रेस मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने ली है, और उसके बाद हमने ये भी सेक्शन देखा वेरोमेडा की, ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारी ड्रेसेस ले ली हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिंत्रा से भी बहुत सारी ऑर्डर कर दी थी, तो मैंने कहा अब मैं नहीं लूँगी क्योंकि अब ना मैं बहुत सोच समझ के शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं यहाँ ले लेती हूँ और दुबई में नहीं पहनती, फिर वहाँ दुबई में ले लेती हूँ, या मतलब कुछ जैसे सूट्स हैं वहाँ दुबई में ज़्यादा मैं सूट्स नहीं पहनती, तो मुझे ऐसा था कि वेस्टर्न ही मैं ज़्यादा लूँ। फिर ये बैक सेक्शन तो देख के आपको पता ही ना कि हर लेडीज़ की वुमेंस की जो है कमजोरी होता है, और उसको उनको सबको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने भी इसको एक्सप्लोर किया। हालांकि मेरी सिस्टर भी देख रही थी लेकिन हमने कुछ बैग्स की शॉपिंग नहीं की इस बारी। सारा एक्सप्लोर करने के बाद, सारा कलेक्शन देखने के बाद हम लोग चले गए थे, यही सब कर रहे थे, और फिर हस्बैंड को हमने बोला था बिलिंग कराने के लिए, तो वो बिलिंग लाइन में लगे हुए थे। लाइफस्टाइल के बाद हम लोग आ गए थे शॉपर स्टॉप में, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना था स्लिंग बैग, मेरे हस्बैंड को देखना था स्लिंग बैग उनके लिए, तो वो हमने देखा। जब तक वो ढूंढ रहे थे तब तक हमने इस वॉल को देखा जिसका ये जो डेकोर था ये बहुत ही प्रिटी लग रहा था, और यहाँ पे इन्होंने परफ्यूम्स रखे थे। बाकी किया थोड़ा होम डेकोर को एक्सप्लोर, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। उसके बाद ये बैग सेक्शन में हम पहुँचे क्योंकि यहीं से लेना था स्लिंग बैग जो कि नहीं मिल पाया। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे नीचे, और नीचे हमने फिर शॉपिंग करी थी फिर से पेंटालून से। तो पेंटालून में हमको ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल गई थी, तो ये हम दिखा देती हूँ मैं आपको पेंटालून्स का कलेक्शन। तो जैसे कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे, तो यहाँ से हमने लेनी थी उसके लिए एक बर्थडे ड्रेस। A few moments later. Guys, हो गई हमारी शॉपिंग और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के, और बहुत मजा आया लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। मैंने सिर्फ एक ड्रेस ली है, और मैं दिखाऊंगी आपको घर जाके शॉपिंग, लेकिन मेरी सिस्टर की शॉपिंग मैं शायद आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं इससे पिक मांग लूंगी इसने क्या क्या लिया था, लेकिन क्योंकि ये चली जाएगी यहाँ से अपने घर और मैं जाऊँगी अपने घर। तो फिर चलते हैं डिनर के लिए और डिनर कर लेते हैं। और हाँ, और पता है आपको 9:30-10 हो गया है, हमने बहुत लेट कर दिया क्योंकि घर से भी हम लेट आए थे, पूरा मॉल हमने छान मारा और बड़ी मुश्किल से हमको कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन ऑर्डर आने तक का वेट भी नहीं हो पाएगा। इधर देख के बोलिए, आई लव माय जीन्स। तो इनको बहुत परफेक्ट फिटिंग की जीन्स मिल गई है, तो ही इज आल्सो हैप्पी। क्योंकि हमको हो गया था बहुत लेट, तो कहीं भी हमें जो है हर जगह वेटिंग मिल रही, तो हम पंजाब ग्रिल्स आए तो यहाँ पे भी बहुत वेटिंग थी, तो हमने सोचा कि
वेट कर सकते कि नहीं, तो अंदर जाके पता किया तो पता चला कि यहाँ पे तो हाफ एन आवर से भी ज़्यादा की वेटिंग है। तो फिर हमने कहा जाने देते हैं, इससे अच्छा है कि हम वापस से फिर कहीं और ही चलते हैं। तो फिर हम आगे कहाँ गए आप लोग आगे देखिए। आगे तो भाई बर्थडे की ड्रेस, आई एम नॉट श्योर अगर उसको मैं बर्थडे का ड्रेस नाम दूंगी। क्यों नहीं दोगी, मौसी ने वही पहननी है बर्थडे में, उसके अलावा कोई नहीं पहननी है। फाइनली गाइस हम आ गए येलो चिली और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, यहाँ भी बहुत भीड़ है। एटलीस्ट 20 to 25 minutes की वेटिंग है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वेट तो करना ही पड़ेगा। A few inches later. मशरूम गलौटी कब आप खाएगा भाई? मशरूम नहीं खाती मैं। आप खाते मशरूम नहीं? मशरूम गलौटी कब आप? मशरूम गलौटी कब? किसी भी क्षण ऐसे घूम लेंगे, बसंत कौन चलिएगा ना। सैटरडे तो ऑफ नहीं होगा इसका, ये वाला पिछला वाला ऑफ था ना। हाँ ये वाला तो नहीं होगा, इसके बाद वाला आया था। तो अब हम लोग ने डिनर कर लिया है और आ गया है घर जाने का टाइम, तो बहुत लेट हो गया है। और जैसे कि इन लोगों ने कैब कर ली है तो ये लोग कैब से निकल रहे हैं घर, और हम लोग कर लेंगे रिक्शा यहाँ से जाने के लिए। तो अच्छा रहा आज का डे, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और मिलेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग।